सलमान खान की 300 करोड़ी फिल्म शेर खान होगी कोरियन फिल्म का रिमेक। शेर खान फिल्म से सलमान खान फिर बनेंगे बॉक्स ऑफिस के किंग। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। सलमान खान बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करती हैं और ब्लॉकबस्टर रहती हैं। लोगों को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज हम इस वीडियो में आपको सलमान खान की आने वाली फिल्म शेर खान के बारे में बताने वाले हैं और साथ में सलमान खान की आने वाली कुछ फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने वाली हैं। सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान ने सलमान खान को लेकर शेर खान फिल्म बनाने की घोषणा की थी, लेकिन काफी समय से इस फिल्म की कोई चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में नहीं सामने आई है, न ही कोई खबर सुनने को मिल रही थी। लेकिन अब फिल्म शेर खान को लेकर सलमान खान ने खुद फिल्म के जल्दी शुरू होने की जानकारी दे दी है। दरअसल एक शो के दौरान सोहेल खान ने कपिल शर्मा से वादा किया था कि वो अपनी अगली आने वाली फिल्म शेर खान में उन्हें लेंगे, लेकिन काफी टाइम से शेर खान के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। ऐसा माना जा रहा था कि इस फिल्म का आइडिया सोहेल खान ने ड्रॉप कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से शेर खान की चर्चा जोरों पर है। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान कोरियन फिल्म वेटरन के हिंदी रिमेक में नजर आने वाले हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी जहां सलमान खान जासूस बनकर नजर आएंगे। बता दें इस फिल्म के राइट्स को अतुल अग्निहोत्री के प्रोडक्शन हाउस रियल लाइफ प्रोडक्शन ने खरीद लिया है। फिल्म में सलमान खान ही होंगे ये भी फाइनल हो चुका है। फिल्म के बाकी की स्टार कास्ट की फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। 2015 में रिलीज फिल्म वेटरन ने कोरिया में कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म की कहानी एक डिटेक्टिव के इर्द गिर्द घूमती है और उसके सामने ऐसे हालात आते हैं जहां कॉमेडी होती है। अब जब अतुल अग्निहोत्री ने एक और कोरियन फिल्म के कॉपीराइट्स खरीद लिए हैं और सलमान खान ने भी फिल्म पर जल्द काम शुरू होने की बात कह डाली है, तो सोहेल खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म शेर खान को लेकर बॉलीवुड में चर्चाएं फिर से गर्म हो गई हैं। और लेकिन इसके लिए लोगों को शायद 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सलमान खान अभी अपने कई बड़े बजट की फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं, जिस वजह से शेर खान फिल्म का सलमान खान के फैंस को इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान किसी कोरियन रिमेक में काम करने वाले हैं। अली अब्बास जफर की फिल्म भारत भी कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर की हिंदी रिमेक है, जो कि 2019 ईद पर रिलीज होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि कोरियन कहानियों को निर्देशक भारतीय दर्शक के हिसाब से किस तरह घुमाते हैं। करीबी सूत्रों की माने तो जब सोहेल खान ने शेर खान की घोषणा की थी, लेकिन सही कहानी न मिलने की वजह से ये फिल्म अटकी रही। लेकिन अब कोरियाई फिल्म वेटरन की कहानी को शेर खान के नाम से हिंदुस्तान में प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि सोहेल खान को एक अच्छी कहानी मिल चुकी है जिसे शेर खान के नाम से हिंदुस्तान में बनाया जाएगा। बहरहाल अभी सलमान खान बैक टू बैक बिग बजट की फिल्मों में व्यस्त है। चलिए हम आपको बताते हैं कि वो फिल्म कौन कौन सी है। तो इसी कड़ी में पहला नाम आता है भारत, जो कि 2019 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। और इस कड़ी में दूसरा नाम है दबंग 3, ये 2020 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। इसी कड़ी में तीसरा नाम है किक 2, 2020 तक आ सकती है। इसी कड़ी में चौथा नाम है शेर खान। शेर खान को आपके लिए 2021 के अंत तक या 2022 की शुरुआत तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसी कड़ी में पांचवा नाम है सूरज बड़जात्या की फिल्म, जिसका अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म होगी, या कहें तो इमोशनल म्यूजिकल फैमिली ड्रामा फिल्म। तो दोस्तों, सलमान खान के पास अभी बैक टू बैक पांच बड़े प्रोजेक्ट हैं। आपको क्या लगता है कि सलमान खान की इन पांचों में से सबसे बड़ी हिट कौन सी फिल्म होगी? भारत, दबंग 3, शेर खान, किक 2 या सूरज बड़जात्या की अनटाइटल्ड फिल्म? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से सबसे बड़ी फिल्म कौन सी होगी। बॉलीवुड की और नई जानकारी के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।